नमस्कार, मैं नूत्र पाठी। आज एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं बिजली विभाग से जाने कितने लोग परेशान हैं। आज ऐसा ही मामला डालीगंज में आया, लखनऊ के डालीगंज में, जहां पर एक पीड़ित का कनेक्शन काट दिया गया और कनेक्शन जोड़ने के नाम पे पैसा मांगा गया। जी हां, हम आपको बता दें कि यदि आप एक आम इंसान हैं और यदि आपका कनेक्शन कटता है तो आप अगर जुर्माने जाएंगे तो आपसे 500, 600, 700 इस चार्ज लिया जाता है। आखिर क्यों? ये एक सवाल मैं इसलिए करता हूं और ये आम पब्लिक की तरफ से सवाल कर रहा हूं कि आम जनता के साथ ये बिजली विभाग करता है धोखा। एक तो ये हम ही से कमाता है, सब कुछ करता है, उसके बावजूद भी हम लोगों को तलवे चाटने पड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली विभाग की ऐसी हरकतें हैं कि यदि आप इन पे कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी लाइट काटेंगे या आपको पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। पीड़ित की जुबानी सुनिए, जिसमें उसका ना तो बिल बकाया था, ना ही कोई ऐसी समस्या थी जिस वजह से बिजली बिल काटना पड़ता, लेकिन SDO साहब के द्वारा वहां पर वीडियो जिस तरह पीड़ित कह रहा है, क्योंकि मैं देखिए इस खबर की पुष्टि तब कर सकता हूं जब हमारी SDO साहब से बात हो, इसलिए हम खबर की पुष्टि नहीं करते, हम हमेशा खबर पीड़ित के हिसाब से ही आपको बताते हैं। तो पीड़ित की जुबानी सुनिए कि पीड़ित के साथ कौन सी बर्बरता की गई। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि PGI में गार्डों ने बीमारदार को ही पीट दिया। ये चल रहा है PGI हॉस्पिटल, मतलब लाइन में लगकर बंदा दवा लेने की कोशिश कर रहा था और गार्डों ने उसे मारा। आखिर इन्हें अधिकार किसने दिया? सवाल पूछता है वाइस साहब की। बने रही हमारे साथ और जरा गौर से सुनिए। आज पीर के दिन सुबह 5:30 से 6 के बीच SDO साहब अपनी पूरी टीम के साथ आए, पीछे गली में गए, सामने गली में गए, सड़क पे आए और हमें बगैर बताए लाइट काट के चले गए। जब इन्वर्टर चालू हुआ तो हमें मालूम कि मेरी लाइट चली गई, तो मैंने तत्काल लाइट की कंप्लेन SDO का स्टैंड पे की, तो वहाँ से उसने बताया फोन कर्मी ने कि आपकी लाइन काट दी गई है, SDO साहब के आदेश थे, हम लोग भैया लाइन काट आए। तो मैंने SDO साहब को फ़ोन लगाना शुरू किया 7 बजे से लेकर के दिन के 11:30 तक SDO साहब ने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया। फिर मैं SDO साहब पास गया, अगर साहब आपने लाइट क्यों काट दी है? कहने वो आप लोग चोरी करते हैं, कटिया लगाते हैं। साहब कटिया दिखाइए तो कहाँ पर कटिया लगी? ये तो आपने पीला तार जो गए तो बहुत पहले से जा रहा, यहाँ स्ट्रीट लाइट भी आती है और 1 मीटर का ऑलरेडी पहले वो भी कटा हुआ है, तो वायर और कटिया कहाँ लगी है? तो जो कुछ कह लेंगे वो कटिया नहीं, वो माइनस कह दी, किस तरह से माइनस किया आप पैसे की व्यवस्था? तो हमें साहब जब लाइट कटिया लगाई तो पैसा आप तो कहाँ से दे दें? तो कहने नहीं कुछ और कहने के नहीं है और अभद्र भाषा का बस कहें, जाओ 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 तो दिमाग खराब है, जाओ जहाँ करना शिकायत करना कर दो। तो इससे पहले भी ये लोग गलियों में आते रहे हैं, जहाँ जहाँ लाइन मैन ले जाता है 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तो मिल जाते हैं, वही मुँह लगी उनको आज मेरे घर में भी दिखाई पड़ा। उसके बाद मैंने कहा जाओ एक्शन के पास जाओ, देखिए वो क्या कर रहे। तो मैं एक्शन साहब के पास गया तुरंत 12:30 के बीच के करीब, तो एक्शन था कि कटिया पकड़ी गई है, हमने कहा हम गुनाहगार हैं, आप शुल्क संबंध हमसे लिए, अगर नहीं है तो तत्काल लाइट जुड़वाइए। एक्शन साहब अभी तक कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ, तभी आ रहा हूँ, अभी तक एक्शन साहब नहीं आए। मैंने 19-12 पे भी कंप्लेन कर दी है और इससे पहले कुछ माह पहले तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, थाना हसनगंज के पीछे एक महिला के घर में इन्होंने कटिया पकड़ी, कटिया पकड़ने के बाद वो महिला जब वो रिक्वेस्ट चले गई तो इन्होंने इतनी ज़्यादा बदतमीजी की SDO जेई ने कि वो महिला ने वहीं दम तोड़ दिया और उसका इंतकाल हो गया। तो बहुत हाई दबाव में उसके खिलाफ FIR भी हुई है। जब तक SDO महोदय यहाँ टिके रहेंगे वसूली करते रहेंगे, चंद लाइन मैन भी इसमें मिले हुए सर, इनका काम ही वसूली करना और 50-50 गवाह हैं मोहल्ले के, कहिए तमाम गवाहों को लाकर खड़ा कर दूं। ये सब इस तरह की हरकतें करते हैं, अभी तक लाइट मेरी नहीं आई है। 19-12 पे मैंने कंप्लेन की है, उनके उन्हें आश्वस्त कराया कि 2 घंटे में आपका कोई आला अधिकारी बात करेगा, आपकी समस्या का समाधान हो गया है। तो मैं चाहता हूँ उसका वीडियो बनाकर मैं आपको इसी दे रहा हूँ कि मेरी समस्या का समाधान हो मीडिया के द्वारा और पब्लिक के द्वारा।